अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे खैर खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज हम बना रहे हैं पटाटो नगेट्स। पटाटो नगेट्स देखिए बहुत क्रेप्सी और बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसको घर में बहुत आराम से बनाया जा सकते हैं। तो चले आए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं पटाटो स्नैक पटाटो नगेट्स। पटाटो नगेट्स बनाने के लिए मैंने जो है वो आलू 5 से 6 जो है वो मैश कर लिए थे। इसके अलावा जो है मेरे पास है, मैंने जो है वो प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर, इनको जो है वो काट लिया है बारीक बारीक। हरी मिर्चें जो है मैंने 5 से 6 तक लेनी है। अगर आपके बच्चे कम खाते हैं मिर्चें तो आप इसको कम, इसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक लिया है हसबे जायका और कुटी हुई लाल मिर्च लिया है। इसके अलावा मैं इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करूँगी। मेरे पास कुछ ब्रेड रखी हुई थी तो मैंने क्या किए, उसी के घर में जो है वो ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। इस तरीके से आप भी अपने घर में इस तरीके से ब्रेड अगर हो तो उसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। जो आलू मैंने मैश किए हुए थे इसमें जाएगी ब्रेड क्रम्स। और ये तमाम मसाले जो मैंने किए थे इसको जो है वो मैं इसमें ऐड करके मिक्स कर लूँगी। इसमें मिक्स हो गया है। अब जो है इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। नगेट्स थोड़े से क्रिस्पी होते हैं तो कॉर्नफ्लोर जो है मैंने इसमें एक प्याली पूरी यूज की है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो है हमारे पे जो कॉर्नफ्लोर ऐड किया था वो भी इसको जो है मैंने मिक्स कर दिया है। इसमें बच्चे वगैरह भी खाते हैं तो आप अगर अपनी मर्जी से मिर्चों की तादाद ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा रख सकते हैं, कम रखना चाहें तो कम रख सकते हैं। मैंने इस वक्त थोड़ी सी कम रखी है। हाथ को हम ऑयल या ग्रीस लगा लेंगे, पानी या फिर ऑयल से आप इसको कर लेंगे। ये छोटे छोटे से आप फेड़ लेंगे इस तरीके से। ये देखें छोटे छोटे मैंने गोल कर लिए हैं। फिर इसको मैं नगेट्स बना रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा सा लंबा कर लूँगी। इस तरीके से आपने जो है वो साइडें इसकी अच्छे से कर लेनी है। ये देखिए लंबाई में थोड़ा थोड़ा लेके आप इसको इस तरीके से जो है वो कोई भी आप शेप दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाली शेप नगेट्स है तो नगेट्स की ये वाली शेप जो है वो बहुत अच्छी होती है और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इस तरह से देने के बाद कोई भी कांटे का चम्मच लें आप और इसको बीच में रख के इस तरीके से आपने दबा देना है इसको, यानी कि एक शेप दे देंगे इसको, बहुत ही अच्छी सी एक लुक इसकी आ जाएगी। देखिए ज़बरदस्त। ठीक है, इस तरह से हम बना के सारे रख लेंगे। सारे नगेट्स बनके हमने जो है वो तैयार करके इस तरीके से रख लिए हैं। तो इसके बाद जो है वो हम इनको अच्छे तरीके से जो है वो तेल के अंदर ही जो है इसको फ्राई कर लेंगे। ये हमारे तकरीबन सब तैयार हो गए हैं। ये हमने कढ़ाई में ऑयल रख दिया था और इसके अंदर जो है हम इसको नीचे से जो है वो हम अपने नगेट्स को डाल देंगे। ये हमारे नगेट्स जो है बनकर तैयार हो गए हैं और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आप जब भी हमारी डिश आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन पे भी प्रेस करें ताकि ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा।